एक शौक जब हमको हुआ तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर के इस जापानी की शुरुआत की थी। अब एक छोटा जापानी का मेरा भाषण, साथ साथ अर्थ भी बताऊंगा, लंबा नहीं है। सोन के शुरू सुहेन काक्का, अर्थात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सोनो होकोनो रेहिन्नो मिनी सामा, अन्य अतिथिगण, कितिशिमाई नो मिनी सामा, भाई और बहनों, ओहायो गुजाइमास मीनासन, आपका विनम्रता पूर्वक अभिनंदन। सुबेते जुंचोनी इकी यासुयोनी, अर्थात मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। गोजोंजी नो तोरी, जैसा आप जानते हैं, वाताशी वा कोनो डाया गाकुनो काकुसे सिदेसु, अर्थात मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूं। हूं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये जापानी का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ किया है, आगे भी बढ़ना है इसमें। कोरे वा वाताशिनी तोते होकोरी नो सुनाने से, अर्थात मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। वैसे तो यूनिवर्सिटी के साथ मैं पहले भी जुड़ा रहा हूं, मेरा 1972 के अंदर जो मेरी परीक्षा हुई, उस समय दसवीं के बाद 2 साल का कोर्स होता था, 10+2 जिसको आज हम कहते हैं, प्री मेडिकल का परीक्षा मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई। उस समय 10+2 भी वो यूनिवर्सिटी से होती थी, उस समय का मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ। बाद में मुझे वाइस चांसलर साहब ने जो उपाधि है, मानक उपाधि, वो भी दी है, और आज मैं जापानी का भी विद्यार्थी का हो गया हूँ, इसलिए मुझे बहुत गर्व है इस यूनिवर्सिटी के साथ। हम सबके लिए और मेरे लिए भी जापानी में कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है। कहावत क्या है? सेनरी नो मिची मो इपो कारा, अर्थात कोई भी लंबी से लंबी हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण जापानी की एक कहावत है, इसको हमको जीवन में उतारना चाहिए। मित्रों, मीनासान अराइगातो गोजाइमास, बहुत बहुत धन्यवाद।